नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं क्या नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक है क्या, आवर्ती संख्या, रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट, एक बार आपको रिकरिंग डिजिट का चेहरा दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 0.7 बार लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 0.7 बार। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.7777 और .. ये इनफाइनाइट तक क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो ऐसी डिजिट जो अनंत तक जाती रहती हैं, रिकरिंग नहीं होती हैं, रिकरिंग डिजिट होती हैं, जो बार बार रिपीट होती रहती हैं, उस तरह की डिजिट हमारी क्या कहलाती है, रिकरिंग डिजिट कहलाती है, ठीक है। अब देखो मेनली यहाँ पे मैं आया क्यों हूँ, ठीक है, बेस क्या लेके आया हूँ इसका, वो समझ लेते हैं। बेस, ठीक है ना, रूट। रूट कहाँ से, देखो अगर मैं कहूँ कि 0.7 बार को मैं 7/9 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप कहोगे सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूँ 0.45 बार को मैं 45/99 लिख सकता हूँ, ठीक है, आप कहोगे सर बहुत बढ़िया। लेकिन मुझसे एक बार पूछो कि सर ये बताओ कि आप 7 के ऊपर से बार कैसे हटा रहे हो, और बार हटा रहे हो तो ये 9 कैसे लगा रहे हो, ठीक है। आप लोग शॉर्टकट, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन एक बार आओ इसकी जड़ सीख लेते हैं कि जड़ इसकी कहाँ पे है, आखिर ये आया कहाँ से है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। इस चीज को अगर सीख लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमें रिकरिंग डिजिट को इस तरह लिखने के लिए, ठीक है। तो चलो एक बार इसका बेसिक सीख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलो आओ देखते बेसिक कहाँ से आया इसका, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई संख्या है, क्या लिखी हुई है, आओ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, क्या समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से बोर्ड की तरफ सब लोग देखेंगे। चलो आओ क्या लिखूंगा, 0.7 बार लिखा हुआ है, ठीक है, आराम से 0.7 बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.7777 और .. आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूं माना x इज इक्वल टू क्या है, 0.7777 .. ऐसा लिख सकते हो, एक बार बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, चलो आगे, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा मल्टीप्लाई टेन बोथ साइड, ठीक है, यानी अब मैं इस 10 का गुणा दोनों तरफ करने जा रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक बार सीख लो। शॉर्टकट 2 मिनट का काम है, 2 मिनट, ठीक है, शॉर्टकट कितने मिनट का काम है, 2 मिनट का, एक बार सीख लो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मैंने क्या कहा, 10x इज इक्वल टू 7.7777 और ये .. मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया हमारे पास, इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अब बताओ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर इतनी बात समझ में आई तो अब ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि 10x इज इक्वल टू 7 प्लस 0.7777 .. मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, इस चीज को ये लिख सकता हूँ कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कमेंट करो, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो आप बताओ मेरे पास x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 0.7777 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0.777 है ना, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं, फिर इस x को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 7 और x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/9। ये लो, इसीलिए मैं 0.7 बार को 7/9 लिख रहा था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इतनी बात अगर समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
अब इसके बाद सीखते हैं क्या शॉर्टकट ट्रिक, एकदम बेसिक से, एकदम क्लास के साथ जुड़े रहो। देखो जो चीजें सिखा रहा हूं एकदम जेन्युइन है, टू द पॉइंट है ना। एक बार सीख लो खत्म करो, एक बार सीख लो कर तो क्या करो खत्म कर दो इसको, ठीक है, ठीक है ना। एमपी वालों बढ़िया से एमपी की तैयारी करो, एमपी में पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, एक एक मैथ्स का एक एक सवाल करा के देंगे, ठीक है, एक एक सवाल। और हाँ, बहुत ज्यादा सवाल के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एक बार रूट पकड़ लो फिर करते रहो जो करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो हाँ बोलो। चलो अगर इतनी बात समझ में आई है तो ये एक बार बेसिक मैंने बता दिया, अब आओ क्या सीख लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है, इसको कैसे करना है। आओ चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो बढ़िया से एकदम दो मिनट के अंदर इसकी शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। जब भी कभी आपके पास क्या दिया हुआ गा? जैसे मान लो आपके पास क्या दिया 0.5 बार, तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्या करना है यहां पे, इस 5 को कहां लिखना है, यहां पे लिखना है। और जितने जितनी संख्या के ऊपर बार है, मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने यहां 9 लिखो, उतने यहां 9 लिखो। तो यहां कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो 9 सिर्फ यहां कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और करते हैं, और करते हैं। अगर मैं कहूं 0.45 बार, चलो इसको कन्वर्ट करो पी अपॉन क्यू में, इसको कन्वर्ट करो किसमें, पी अपॉन क्यू में, करो P upon Q में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जो भी संख्या है उसको पहले एक बार लिख दो, पहले एक बार लिख दो। 45 को क्या लिखो, 45 अपॉन फिर क्या लिखोगे, 45 किसके के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो दो बार यहां क्या लिख दो, 9 लिख दो। बात समझ में आई, अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक बार कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे ट्रिक तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक और देख लो, एक और देख लो। मान लो तीन संख्या है 0.459 और इन तीनों में बार है, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखो, 459 अपॉन कितने संख्या के ऊपर बार है, 1, 2, 3, तीन संख्या के ऊपर बार है, तो 1, 2, 3 9 लिख दिया, और ये तुम्हारा क्या आ गया, P अपॉन Q में आंसर आ गया, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतना, फिर आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो चलो एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, ठीक है ना। 0.75 इसको किस में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू में, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दिया करो, तो मुझे यह पता चल जाए कि आप लोगों को क्या हुआ, समझ में आ गई बात है, ठीक है। 0.75 और 0.62 इसको भी क्या करना है, P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है, इन दोनों में क्या लगा है, बार लगा हुआ है, और इसको कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात, ठीक है। चलो चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि यहां पे एक संख्या लिखी होती थी, एक संख्या लिखी होती थी, उसको आप पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, अब मैं कैसा नंबर दूंगा, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 5/9, ठीक है, 5/9, और इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब अभी तक मैं ये दे रहा था तुम्हें ये निकालना था, ठीक है। अब मैं इसको दूंगा और अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब इसको तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है, 5/9 को बार में कन्वर्ट करो, बार में, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट प्रोसेस यही है, क्या है, जितनी बार लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखो, 0.5 लिख दो, ठीक है। 5 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख दो, 0.5, और 9 कितनी बार है, एक बार, तो एक अंक के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो उल्टा प्रोसेस करना है, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। चलो आओ इसको भी देखते हैं, इसको 45/99, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। जितना लिखा हुआ है उसको क्या लिखो, 0.45, ठीक है, और 99 जो लिखा हुआ है तो कितनी बार, दो बार 9 है ना, याद से रख लेना। मैंने क्या बोला कि 45 है तो 0.45 लिख दो,
और जितनी बार 9 है तो 9 कितनी बार है, 2 बार है, उतने अंक में क्या लगा दो, बार लगा दो। ठीक है, दोनों प्रोसेस समझ में आ गई, चाहे इधर से उधर ले जाना हो चाहे उधर से इधर लाना हो। चलो एक और इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी। चलो इसमें क्या है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे 0.459, ठीक है ना, और बार कितने में लगाएंगे, 1, 2, 3, 3 हमारे पास कितने हैं, 9 है, तो इन तीनों में क्या लगा दो, बार लगा दो। दोनों प्रोसेस समझ में आ गई, कमेंट करना, दोनों प्रोसेस अगर समझ में आई हो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर दोनों प्रोसेस समझ में आ गई, चाहे पॉइंट को या बार को पी अपॉन क्यू में ले जाना हो या पी अपॉन क्यू को पॉइंट या बार में कन्वर्ट करना हो, दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी हैं। चलो आओ, ठीक है, ये दूसरा केस हो गया, इसमें भी बात हो गई, इसमें भी एक आध क्वेश्चन लिख लो करने के लिए, इसमें भी एक आध क्वेश्चन लिख लो और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। चलो आओ, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, जैसे 45/99 इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें, ठीक है ना, दूसरा क्या करना है 62/9, ठीक है, इस चीज को तुम्हें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया से तैयारी, एकदम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखते चलना है, क्या है इसमें, क्या है, कोई कॉन्सेप्ट जितना बड़ा नहीं है, एकदम एक बार जड़ पकड़ लिए, एक बार अगर तुमने जड़ पकड़ ली तो फिर कुछ भी करते रहो, ठीक है। चलो आओ अगला सीखते हैं, अगला हमारे पास क्या है केस, अगला देखो, अब इसमें थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं, ये तो हो गई सीधी सीधी बात, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, आ जाओ, टेढ़ी मेढ़ी बात क्या है इसमें, चलो देखो केस सेकंड हमारे पास क्या है, केस सेकंड है हमारे पास, केस थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड है। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास नंबर लिखा है 0.459, ठीक है, 0.459, और इस बार बार सिर्फ इन दोनों में है, ठीक है ना, इन दोनों में बार है, इसमें नहीं है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करना है, बताओ। अब नया डिफरेंट क्वेश्चन दिखा, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या रहता था, तीनों में बार रहता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 2 में बार है, अब इसको हमें क्या करना है, P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है। चलो इसकी शॉर्टकट ट्रिक समझ लेते हैं, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक समझ लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो संख्या दी हुई है, तीनों जो संख्या दी हुई है उसको यहां लिखो 4, 5, 9, ठीक है, इतना लिख लिया, इतनी बात समझ में आई, फिर माइनस करो, माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या करना है, माइनस 4, ठीक है, ये बात समझ में आई, 4, 5, 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ले जाके इधर माइनस करो, ठीक है, अपॉन में थोड़ा ध्यान से देख लेना, कितने बार 9 लिखना है, कितने बार 0, अपॉन में ध्यान से देखना, जितने में बार लगा हुआ है उतने बार क्या लिखो, 9 लिखो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जितने अंक में क्या लगा हुआ है, बार, तो यहां कितने अंक में बार है, 2 अंक में बार है, तो हमने क्या लिखा, 2, 9 लिख दिया, और जिस अंक में बार नहीं है उसे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया, 4, 5 और 5 अपॉन 9, 9, 0, ये हो गया आपका क्या, P अपॉन Q में कन्वर्ट होके क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। मैं यहां आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखे देता हूं यहां पे, जितने में बार है, ठीक है, जितने में बार है, और 0 के लिए क्या लिख दूं, जितने में बार नहीं है, ये दोनों बातें आपको समझ में आई हो तो बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी एक दो और समझाए देते हैं, एकदम धीरे धीरे, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है और आप लोगों को इसको स्पीडोमीटर में लगा के मत देखिएगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, एक बार आप समझ गए फिर आप इसको खुद ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो हमारे पास अगला क्वेश्चन अब चलो देखो 0.456,
इस बार सिर्फ सिक्स में बार है, ठीक है ना। अभी तक सब में बार हुआ करता था, अब सिर्फ सिक्स में बार है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो संख्या है पहले उसको एक बार क्या करो, लिख डालो जो संख्या है। तो मैंने क्या कहा, फोर फाइव सिक्स लिख लिया। फिर जितने में बार नहीं है, जितने में बार नहीं है उसको क्या करो, यहां माइनस करो, कितना 45। जितने में बार नहीं है उसको यहां क्या करो, माइनस करो, अपॉन जितने में बार है, जितने में बार है, जितने में बार है उतने क्या लिखो, 9 लिखो। जितने में बार है उतने 9 लिखो, और जितने में बार नहीं है उसमें क्या लिखो, 0 और 0 लिखो। जितने में बार नहीं है उसमें क्या लिखो, 0 और 0 लिखो। समझ में आई? ये 0 0 इन दोनों की वजह से आया है, क्यों, क्योंकि इसमें बार नहीं है, और ये 9 इसकी वजह से आया क्योंकि इसमें बार है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 1 ये 411/900, 411/900 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट हो चुका है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज बता दिया करो, एक बार बता दिया करो, तो थोड़ा ये समझ में आ जाए कि आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूं वो समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो चलो कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो चलो आओ कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। क्या करना है आप लोगों को, एकदम कॉन्सेप्ट की बारीकी को एक बार अगर आपने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद आपको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। चलो आ जाओ अगला देख लेते हैं, अगला और हमारे पास क्या है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। क्यों, इसलिए छोटी छोटी क्लास रख रहा हूं क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। चलो आओ एक और देख लेते हैं, 0.89 और 9 के ऊपर बार है। मैंने क्या बोला इसको अगर आपको P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेना है 89, ठीक है। फिर जिसमें बार नहीं है उसको ले जाके यहां क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ठीक है। फिर जितने में बार है उतने यहां क्या लिखने हैं, 9, और जितने में बार नहीं है उतने यहां क्या लिखने हैं, 0। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 81/90, और इसको 9 9 81 और 9 10 90, ये हो गया हमारे पास आंसर, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। 9/10 9/10। चलो आ जाओ, ठीक है, ये हो गया हमारा केस थर्ड। कौन सा केस हो गया, ये हमारा केस थर्ड। एक क्वेश्चन लिख लो आपके लिए, मतलब आपको क्या कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। चलो आओ, 0.73 बार, इसको आपको P अपॉन Q में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर एक अच्छी सी एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें। चलो बढ़िया है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया, एकदम टॉपिक पकड़ पकड़ के डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक पकड़ पकड़ के जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारे पास, अगला देख लेते हैं एक बार। चलो केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ देख लो, फोर्थ कैसा आ सकता है, मान लो तुम्हें दे दिया 3.98 बार, ठीक है, ये दे दिया तुम्हें। इस बार पॉइंट के इधर भी अंक है, ठीक है ना, इस बार क्या है, पॉइंट के इधर भी अंक है। एकदम ध्यान से, अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सेशन को लाइक कर दिया करो, और एक बार बता दिया करो, सर वीडियो अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा समझाया, थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाता है ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 3+0.98 बार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसमें कोई किसी को अगर समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, इतना मैं लिख सकता हूं कि नहीं, पहले आप देखिए, ठीक है। अब क्या करो, 3 को 3 ही रहने दो, ठीक है ना, और 9 8 को अभी तो सिखाया, अगर दोनों पे बार है तो क्या लिखो, 9 8, और नीचे क्या लिख दो, 9 9, ठीक है, इतना लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली तुम्हें सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के लिए क्या करना, एलसीएम ले लेना, नहीं तो यहां 99 multiplied by 3, और यहां 99 कर देना, और प्लस 98 multiplied by 99,
अब क्या करना, 99 को, अब ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 99 कॉमन आ जाएगा, 99 इंटू 3 प्लस 98, सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई परेशानी है, इसमें किसी को कोई परेशानी, अगर परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ये रिकरिंग डिजिट चल रही है, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से रिकरिंग डिजिट चल रही है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। एमपी वाले पढ़ते जाओ बढ़िया तरीके से, एक नंबर का, एक नंबर की ट्रिक लेके आए हूं, एक नंबर की ट्रिक विद कॉन्सेप्ट। शुरू में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया बस उसी कॉन्सेप्ट पे चलते जाना और इस ट्रिक को क्या करते जाना, फॉलो करते जाना, ठीक है। चलो आओ और देख लेते हैं, और कुछ हमारे पास है तो वो भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बड़े बड़े, थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, आओ वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, 0.17 बार प्लस 0.16 बार, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। अब बस, अब ये बार वाला कॉन्सेप्ट अगर सीख चुके हो तो इसको ऐड करने में कितना टाइम लगने वाला है, बताओ कितना टाइम लगने वाला है। अभी ये मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, एक बार सिलेबस को मैं खत्म कर दूं, एक बार सिलेबस को मैं खत्म कर दूं, फिर ऐसे हर टॉपिक के पकड़ पकड़ के मैं तुम लोगों से क्या कर पाऊंगा, क्वेश्चन, वो भी लाइव क्लास में, ठीक है। चलो आओ इसको देखते हैं, मैंने क्या बोला था, 0.17 बार है, क्या लिखो, 17 कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो क्या करो, 99 प्लस, इसको क्या करो, 0.16 है तो क्या करो, 16 यहां लिखो, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर 99, सॉल्व कर लो, ठीक है, 99 अपने पास क्या आ जाएगा, 99। और हमारे पास 17, 16, 7, 6, 13 की 3 हासिल है, 2, 1, 3, 33, ठीक है, तो 33 से कम 33, 33 3 99, 1/3 हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही कई क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन मैं बना के दिए देता हूं, कुछ क्वेश्चन दिए देता हूं, उसको आपको करके लाना है, ठीक है ना। चलो आओ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्यों, क्योंकि इतनी बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट कर देना। चलो 0.5 बार 0.45 बार प्लस 0.456 बार, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और क्या करना है, कमेंट कमेंट करना है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना, और दोस्तों तक पहुंचाना है। जो लोग भी सो रहे हैं उन पे ये वीडियो जाके मारो, बोलो आओ चलो रिकरिंग डिजिट, एक घंटे में एक 20 मिनट का टॉपिक है, 20-25 मिनट का टॉपिक है, जितना पटवारी में आता है उतना क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक रिकरिंग डिजिट अभी खत्म होता है पटवारी के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपका रगड़ा सर विदा लेता हूँ, धन्यवाद।